मुश्किल में भी धैर्य बनाए रखने वाले जांबाज लोग। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? मुझे पता है बढ़िया ही होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे इस शानदार वीडियो को देखने के बाद आपका मन चंगा हो जाएगा। जहां आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का सामना ऐसे करते हैं मानो उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंकिंग कार की। दोस्तों, हमारा ये मानना है या तो ज्यादा मूवी देखनी नहीं चाहिए, और अगर देखनी चाहिए तो उसका असर अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फिल्में देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि फिल्मों में कार जब पानी में डूबती है तो लोग ऐसे उछल कूद करने लगते हैं मानो कोई उनका गला दबा दे रहा है। अब दोस्तों, फिल्में तो फिल्में हैं, उनका क्या ही किया जा सकता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के सिचुएशन का सामना बिल्कुल हंसकर करते हैं। जैसे कि आप इस स्पेनिश वुमन को ही ले लीजिए, जहां एक तरफ इनकी गाड़ी डूब रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये कार की खिड़की से बाहर निकलकर कार के ऊपर बैठ गई, और वो भी इतने मजे से मानो अपना फोटो शूट करवा रही हो। हालांकि थोड़ी देर में वहां रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और इन्हें बाहर निकाल लेती है। नेक्स्ट, द स्नैक मैन। बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसे सुपर हीरोज के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। अब जरा हमारे इस अनोखे स्नैक मैन को भी देख लीजिए, जो कि एक उभरते हुए सुपर हीरो की तरह है। असल में दोस्तों, यहाँ हुआ ये कि एक महिला ट्रेन में इस ब्राउन जैकेट वाले शख्स को मार रही है, जिसका ये कहना है कि ये शख्स इसे काफी समय से फॉलो कर रहा है। हालांकि ये ब्राउन जैकेट वाला शख्स इस बात से काफी इनकार करता है, पर कैसे पता कि सच्चाई क्या है? ऐसे में अब ना ही महिला को रोका जा सकता है और ना ही बिना बात के इस ब्राउन जैकेट वाले को पीटा जा सकता है। अब इस सिचुएशन में हमारे स्नैकमैन ने दिमाग लगाया और महिला और इस शख्स के बीच में आकर अपने फ्रेंच फ्राइज खाने लगे, जो कि सबसे बेस्ट तरीका था इस तरह की लड़ाई को बंद कराने का, क्योंकि इन्हें इस तरह खाता देख महिला पूरी तरह से शांत हो गई थी, और बिना कुछ किए हमारे ये सुपर हीरोज बड़े आराम से फेमस हो गए। वैसे दोस्तों, फेमस से याद आया कि आप हमारी वीडियो बड़े मजे से देखकर तो जाते हैं, लेकिन इसे लाइक और शेयर नहीं करते, इसलिए प्लीज चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियोस लाते रहें। चलिए अब बात करते हैं अनफेस्ड कैशियर की। अच्छा, आपके सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा हो जाए और आपसे बोले कि सारे पैसे निकालो तो आप क्या करेंगे? हमें पता है इस सिचुएशन के बारे में सोचकर आपकी हालत खराब हो गई होगी, तो आप खुद ही सोचिए जब असल में ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा। लेकिन ये जनाब ऐसे नहीं है, ये तो बड़े मजे से खड़े थे, तभी नीली जैकेट में एक लंबा चौड़ा शख्स आता है और काउंटर में कैशियर को अकेला देखकर अपनी गन बाहर निकाल लेता है और उसे धमकी देने लगता है। अब इतने में तो घबरा कर सारे पैसे देने वाले लोग आपको बहुत दिखेंगे, पर ये बंदा कुछ अलग है, जिसने सबसे पहले अपने ग्लव्स उतारे और फिर बिना कुछ बोले शांति से सारे पैसे इस शख्स को ऐसे थमा दिए मानो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस कैशियर के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इसे रत्ती भर भी मरने से डर नहीं लगता। सेल्फ कंट्रोल वर्सेस एंगर। दोस्तों, अगर आप मार्शल आर्ट सीखने जाएंगे तो वहाँ पर ये टेक्निक सिखाई जाती है कि सबसे पहले अपने दुश्मन की सारी एनर्जी खत्म हो जाने दो और फिर अपना वार करो, तब आप जंग जीतने में ज्यादा अच्छी तरह से सफल होंगे। और लगता है इन जनाब ने भी इस टेक्निक को सीखा है, तभी तो इस कार में बैठा इंसान बड़ी शांति से बाहर से चिल्ला रहे इंसान की बात सुनता है, क्योंकि इसकी वजह से बाहर खड़े आदमी की कार के बम्पर में टक्कर लग जाती है। अब इस तरह की सिचुएशन में अक्सर ड्राइवर सामने वाले को मुआवजा देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, पर माइक नाम के ये शख्स बड़ी शांति से अपना म्यूजिक सुनते हैं और सामने वाले की बात पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देते। टैमिंग अ क्रोकोडाइल। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लोग अक्सर अनयूजुअल क्रिएचर्स से मिलते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जनाब क्रोकोडाइल को देखने के बाद रिएक्ट कर रहे हैं, उसे देखकर तो दो ही चीज लग रही है, या तो ये बहुत हिम्मत वाले हैं या फिर बहुत बेवकूफ, वरना क्रोकोडाइल जितने खतरनाक जानवर को देखकर इंसान की बैंड बज जाती है, पर ये बड़े आराम से उसके साथ डील कर रहे हैं। जहां अब ये काम कर रहे होते हैं तो इस मगरमच्छ को अपनी तरफ आता देख उसे ऐसे धक्का देते हैं मानो अपने किसी दोस्त यार को धक्का देकर पीछे धकेल रहे हो,
वैसे आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलेगा कि क्या आप इनकी जगह होते तो आप ये दिलेरी भरा काम कर पाते या फिर वहां से 9-2-11 हो जाते। अब बात करते हैं फियरलेस कस्टमर की। अब भाई साहब, इस सीन को देखकर तो आप पक्का दंग हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सेंटर में बैठे इस शख्स को देख सकते हैं कि कैसे ये बड़े रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठा है, मानो सारी टेंशन घर छोड़ आया हो। हालांकि इस शख्स के इतने रिलैक्स नेचर के बारे में हमें नहीं पता था। वो तो जब रेस्टोरेंट में 20 से 25 गुंडों का एक पूरा गैंग आया और गुंडे तोड़फोड़ करने लगे, तो रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोग बाहर जाने के सोच रहे थे, लेकिन ये जनाब आराम से बैठकर अपनी कॉफी पी रहे थे, जैसे कि किसी थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे हो। अब इतना रिलैक्स इंसान तभी हो सकता है जब या तो वो मेडिटेशन करे या फिर इस पूरे पंगे का मास्टरमाइंड हो। अब आपको ये शख्स इन दोनों में से क्या लगता है, वो हम कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे। अब बात करते हैं टर्निंग टेबल ऑन अ रॉबर। अब दोस्तों, इस दबंग महिला को हमने आज आपको ना दिखाया तो हमारी लिस्ट अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो ये एक असली रॉबरी है, जहां पर ये चोर जिसने मास्क पहन रखा है, ये पहले तो यहां पर काम करने वाली इस महिला के केबिन में चला जाता है। लेकिन आप इस महिला की हिम्मत तो देखिए, इसने डांट कर इस चोर को अपने केबिन से बाहर निकाला और फिर उससे बोला कि बाहर निकलकर बात करो, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि चोर पहले तो उस महिला से बात करता है और फिर अपनी गन निकाल कर इसे डराने लगता है। लेकिन महिला बड़ी शांति से इसकी बात सुनती है और वो पैसे देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती। अब ऐसा होते देख ये चोर खुद से जबरदस्ती पैसे लेने की कोशिश करता है। उतने में ही ये महिला वापस से अपनी हिम्मत दिखाते हुए इसे ऊपर से नीचे ढकेल देती है, जो कि वाकई में ये दिलेरी वाला काम है, क्योंकि जिसके हाथ में बंदूक हो उसे इस तरह से ढकेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि कैसे महिला ने पैसे चोर के मुंह पे फेंक दिए, और जब चोर पैसे उठाने में बिजी हो जाता है, उतने में ये महिला चोर की बंदूक लेकर उसे ही डरा कर भगा देती है। मतलब ये पूरा किस्सा वाकई में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है, जो कि गजब का है। रोड एक्सीडेंट। आप लोगों ने कई सारे रोड एक्सीडेंट्स देखे होंगे, जिनमें से कुछ इतने ज्यादा डेंजर होते हैं कि उन्हें देखकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद कुछ लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं, और उन्हीं में से ये महिला भी है जो इस स्लिपरी रोड से होते हुए जा रही है, जिस वजह से देखते ही देखते इनकी कार पूरी तरह से पलट जाती है। अब इस तरह की सिचुएशन में कोई और होता तो चिल्लाकर अपना गला फाड़ लेता, तो वहीं इस महिला ने बड़ी शांतिपूर्वक इस सिचुएशन को हैंडल किया और बिना पैनिक हुए अपने आप को बचा लिया। तो दोस्तों, आपका हमारे इन सुपर कूल लोगों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।